अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम आपको लंदन ब्रिज का विज़िट करा रहे हैं। इस ब्रिज की एक तरफ प्रिसन 15 है, दूसरी तरफ प्रिसन 27 है। प्रिसन 15 का आज डिटेल विज़िट करेंगे। प्रिसन 15 का आज इस वक्त जो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का स्टेटस है वो एग्जैक्टली उसी तरह का है जितना एक साल पहले अली ब्लॉक का था। अली ब्लॉक में भी तकरीबन इतने ही विलाज और इतने ही कंस्ट्रक्शन एक साल पहले हो रही थी। और अगर हम 15 का एक साल बाद का कुछ आइडिया लगाना चाहें तो ऑलमोस्ट इसी तरह ही होगा जितने इस वक्त अली ब्लॉक में असल बसल है, जितने विलाज बन रहे हैं, जितने कंस्ट्रक्शन है, उसी तरह उसी पेस से यहाँ पे काम हो रहा है, उतनी ही डिमांड है, उसी तरह की यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, ड्रिंक अप्रूवल का फेज़ है, ट्रेड प्लॉट्स की उसी तरीके से हो रही है। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रंट रो है जनाब एवेन्यू की तरफ। यहाँ पे तकरीबन इस वक्त कोई 50-60 लाख की ब्रैकेट में आपको एक अच्छा रिजनेबल प्लाट मिल जाता है। बैक एरिया में जो एवेन्यू 17 की तरफ है या सेंटर वाला एरिया, वहाँ पे आपको 40-50 लाख की रेंज में एक अच्छा रिजनेबल प्लाट मिल जाता है। ये प्रेसेंट अली ब्लॉक के बिल्कुल सामने एक साइड पर इसको प्रेसेंट 14 लगता है, बैक साइड पर प्रेसेंट 15A, जिना एवेन्यू भी इसको लगता है, एवेन्यू 17 भी लगता है। अली ब्लॉक के बाद जो प्रेसेंट आते हैं जिनमें अच्छी लोकेशन गिनी जाती है वो प्रेसेंट 15 है, 14 है, फिर इसके साथ प्रेसेंट 27 है। मीन 125 गज के अगर प्रेसेंट्स की बात करें तो जो प्रेसेंट 15 है वो टॉप के प्रेसेंट्स में आता है। यही वजह है कि यहाँ पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बैरियटॉन ने कम्प्लीट प्रेसेंट की पोजेशन भी दे दी है, डिवेलपमेंट भी कम्प्लीट है, सर्विसज भी कम्प्लीट है। ये मोस्टली हाइटेड एरिया है। यहाँ से प्रेसेंट 27 आपको गोल्फ सिटी का एरिया नज़र आता है, आपको जना एवेन्यू पूरा आपको नज़र आता है, काफ़ी हाइटेड एरिया है। और इस प्रेसेंट में काफ़ी सारे लोग इस वजह से भी इंटरेस्टेड हैं कि ये मेन गेट के पास है, लोकेशन वाइज भी अच्छा है। और चूँकि अली ब्लॉक में इस वक्त रेट्स बहुत ज़्यादा चले गए, वहाँ पर एक अच्छा रिजनेबल प्लाट जो है 60 लाख की ब्रैकेट में मिलता है, और यहाँ चूँकि 40 लाख से ऑनवर्ड आपको अच्छा लोकेशन का प्लाट मिल जाता है, तो ये जो प्राइस का मार्जिन है उस वजह से भी लोग यहाँ मूव कर रहे हैं। सेकंडली ये कि लोकेशन ऑलमोस्ट वही अली ब्लॉक के सामने है और ये वो अट्रैक्शन है जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं, इंशाल्लाह पूरा प्रेसेंट विज़िट करवाते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे कितने विलाज बन रहे हैं, कितने बन चुके हैं। प्रेसेंट 15 में अभी फैमिली तो शिफ्ट को नहीं हुई, लेकिन इस वक्त काफ़ी सारे विलाज आप देख रहे होंगे वहाँ स्ट्रक्चर वाइज कम्प्लीट हो गए और फिनिशिंग स्टेज पे हैं। तो आने वाले 4-6 महीने में इंशाल्लाह यहाँ पे फैमिली रह रही होंगी। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक साल बाद मुझे एग्जैक्टली वही स्टेटस नज़र आ रहा है इस प्रेसेंट का 15 का, जैसा स्टेटस आज इस वक्त अली ब्लॉक में। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम प्रेसेंट 15 की आपको वीडियोज़ शेयर करते रहेंगे, अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। आपकी फर्दर प्रेसेंट 15 या 15A, 7 प्रेसेंट, 14, 27, 125 करियार के इन प्रेशन की किसी किस्म की भी क्यूरी है तो आप प्लीज़ हमारे साथ रबते में रहिएगा, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली असिस्ट करेगी। थैंक यू सो मच।